Hello everyone, I have Amanjot Kaur here. She has received her passport. इनकी इंटरव्यू हुई थी 11th of August को and today she has received her passport. Got 5-year USA visa after 4 refusals from Canada and in a very first attempt from USA. USA में पहले ही टाइम में इनका वीजा आ चुका है. So she will share her experience. Thank you so much. It is all because of you. I received my USA visa and all the team here working really good. So I recommended all the students and all who wants to go to USA, please come here for your experience and you are going to Canada, Australia, USA, everywhere. You please come here and visit. Thank you. So guys, एक myth. मेरे पास कई बार क्लाइंट आते हैं, बोलते हैं सर कनाडा की हमारी रिफ्यूजल है, तो कनाडा वाले इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं यूएस के साथ, तो यूएस का वीज़ा तो नहीं होगा. दो केस हुए हैं एक ही हफ्ते में. इनकी भी 4 बार रिफ्यूजल थी, दूसरी लड़की की भी 4 बार रिफ्यूजल थी, और इनसे आई थिंक सवाल भी नहीं पूछा कि रिफ्यूजल है. पूछा बिल्कुल नहीं. कौन कौन से सवाल पूछे थे बताओगे? उन्होंने मेरी स्टडी बारे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो पूछे थे कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, आप क्यों जा रहे हैं, आपको फंडिंग कौन कर रहा है, और आप क्यों हो, आपके पिछले प्रीवियस जो आपको प्रोजेक्ट है, इसी बारे में उन्होंने पूछा था. सो दे डोंट इवन बॉदर कि आप कौन सी कंट्री से रिफ्यूज हो, कितनी बार रिफ्यूज हो. और सर ने हमें पूरी इंटरव्यू की तैयारी करवाई थी. मैं आई थी, बिल्कुल सारे प्रॉपर क्वेश्चन आंसर सर ने करवाए थे. सो आई ट्राइड माई बेस्ट, खुद इनको लिखवाए थे, एंड फाइनली आई एम रियली हैप्पी फॉर यू. ऑल द वेरी बेस्ट. सो दैट्स इट गाइस, इवन इफ यू आर रिफ्यूज, you should try for USA study visa. किसी भी कंट्री से आप रिफ्यूज हो, this is the best time. Success rate is good. जून महीने थोड़ा बुरा था, जुलाई महीने थोड़ा अच्छा हुआ, और अगस्त में अभी बहुत अच्छा है. तो if you are planning for study visa, आप रिफ्यूज हो, तो you should definitely try it. Thank you. Thanks for watching.